गाइस छोटे के नमस्ते। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जियो में अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिचार्ज के। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना किसी रिचार्ज के जियो में अनलिमिटेड नेट। सो गाइस यूट्यूब पे तो वीडियो है ही बहुत सारे हाउ टू यूज़ अनलिमिटेड नेट इन जियो, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तो गाइस फेक वीडियो है। सो गाइस मैं आपको रियल ट्रिक बताऊँगा। गाइस पहले मैं बता दूँ, ये ट्रिक मेरा नहीं है, ये एक यूट्यूबर है पिंड वाला नाम से, उन्होंने ये ट्रिक बताया है। ये देखिए गाइस, ये 1 वीक एगो ट्रिक बताया उन्होंने। सो गाइस इस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा और इसके कुछ कुछ इसमें कमी है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। सो गाइस बेसिकली इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वेब टनल। सो गाइस ये आपको प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगा, मैं दिखाता हूँ खोज के। सो गाइस ये मैंने खोला वेब टनल। सो गाइस ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे आ गया। इन गाइस ये वो वाला, ये वो वेब टनल नहीं है जो हमें चाहिए। सो गाइस ये वो नहीं है। अब गाइस आप कोई VPN यूज करके सर्च करोगे तो आपको हो सकता है वेब टनल मिल जाए, लेकिन गाइस वो आपको लिखेगा दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। सो गाइस इसका सॉल्यूशन यही है कि जो लिंक मैं आपको दूँ आप वहीं डाउनलोड करना। सो गाइस बेसिकली ये वेब टनल ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि उसके बाद इसको सिंपली ओपन करना है। ये ओपन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ का जब सेटिंग करनी है, सो गाइस मैं पहले बता दूँ मेरे पास अभी जियो का सिम नहीं है, मेरे पास एयरसेल का सिम है गाइस। सो गाइस इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊँगा और ये आप खुद ट्राई कर लेना गाइस, आप एक बार देख सकते हो, इनके कमेंट्स देख लो गाइस इट्स वर्किंग। गाइस देख सकते हैं सैमसंग ने ये कमेंट किया है कि ये गाइस ये वर्क कर रहा है, गाइस देख सकते हैं वर्किंग है गाइस। सो इसको कैसे करें वो मैं दिखाता हूँ। वेब टनल ओपन कर लेना गाइस, यहाँ पर कोई फ्री सर्वर चूज करना गाइस, याद रखिएगा फ्री सर्वर, प्रीमियम वाला जो है ये सब कुछ नहीं करना गाइस, आप फ्री सर्वर चूज करना है। फ्री सर्वर यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। अब गाइस एक और मैं आपको टिप देता हूँ, जिस सर्वर के पहले ये कैनेडा का फ्लैग हो गाइस आप उसी को सेलेक्ट करना। सो गाइस जिस सर्वर के आगे ये कनाडा का फ्लैग होगा इस वही सेलेक्ट करना, उसमें आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी। सो गाइस मैं फ्री सर्वर 44 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके गाइस आपको यहाँ आ जाना है प्रॉक्स हेड होस्ट में गाइस आपको ये देखिए गाइस कैपिटल जे उसके jio.com लिख देना है। सिंपली आप देखो वीडियो में ध्यान से, ये कैपिटल जोड़ना चाहिए जे जो आपका है, उसके jio.com कर लेना गाइस आपको। यहाँ पे आपको पोर्ट 80 कर देना है, यहाँ पे फास्ट HTTP रहेगा, इसको आपको SSL कर देना है गाइस। गाइस इतना सेटिंग करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पे कनेक्ट पर टैप करना है, आपकी कनेक्टिंग शुरू हो जाएगी, वेट करना है। सो गाइस मेरा भी एयरसेल का सिम है, मैं सब कनेक्ट नहीं करता हूँ, स्टॉप कर देते हैं। सो गाइस ये तो हो गया ट्रिक हमारा। अब गाइस यहाँ एक प्रॉब्लम है कि पिंडवाला सर ने ये नहीं बताया कि इस वेब टनल ऐप की लिमिट है गाइस, एक दिन में 200 से 250 MB बस यूज़ कर सकते हो उसकी मदद से। सो गाइस इसको कैसे बाईपास करें वो भी बिना किसी रूट के, यस गाइस बिना रूट के ट्रिक वर्क करेगी। सो ये कैसे करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस बेसिकली जब आपका ये लिमिट पूरा हो जाए, सो गाइस आपको बस कोई फाइल एक्सप्लोर डाउनलोड कर लेना है। फाइल एक्सप्लोरर इसमें आपको दिखा देता हूँ, ES फाइल एक्सप्लोरर इसको आपको डाउनलोड करना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ईजिली, मैं दिखा देता हूँ ES फाइल एक्सप्लोरर गाइस, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है गाइस। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है। बस ध्यान रहे कि वेब टनल ऐप को मेरे दिए गए लिंक से ही डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप कहीं और से करोगे तो वो दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री ये एरर देगा आपको गाइस। तो गाइस यहाँ बेसिकली आपको इस ऐप को ओपन करना है, फिर यहाँ ये 3 lines पर टैप करना है, इसके नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ गाइस ये जो ऑप्शन है सो हिडन फाइल्स गाइस, इसको आपको इनेबल कर देना है। ये पहले डिजेबल रहेगा, ये पहले ऐसे रहेगा डिजेबल, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस अब आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ आपको अपना एंड्रॉयड फोल्डर ढूंढ रहा है गाइस, एंड्रॉयड फोल्डर, तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड फोल्डर, इसको क्लिक करना है। अब गाइस आप यहाँ देख सकते हो ये .playstore.srf.h ये गाइस ये तो गाइस आप इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है गाइस। ये गाइस देख सकते हैं ये मेरे में 2 दिख रहा है, अगर आप में 2 आए तो आपको दोनों को ओपन कर दोनों
उसको एक एक करके ओपन करना है। जैसे मान लीजिए सो गाइज ये है, आपको दो दिख रहा होगा playlist.srf playlist.fr। सो गाइज आपको इन दोनों को ओपन करना है। जैसे ये दिखाइए, ये गाइज ये नहीं रहेगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ। मैं गाइज ये आप रहेगा, इसको ओपन करना है सिंपली ES नोट एडिटर से। गाइज ये देख सकते हो आप में ये पेन, ये ऐसा कुछ रहेगा, आप में कुछ अलग भी हो सकता है। फिर आपको यहाँ एडिट आइकॉन पर टैप करना है, एडिट आइकॉन एडिट। फिर गाइज यहाँ आपको इसको इरेज कर देना है, फुल को इरेज करने के बाद यहाँ आपको जीरो टाइप करना है। गाइज जीरो, आप जीरो डैश जीरो भी कर सकते हो या सिंपली जीरो भी कर सकते हो। तो मैं जीरो डैश जीरो कर देता हूँ, मैं बस यहाँ जीरो कर देता हूँ। गाइज ये करने के बाद आपको यहाँ पर सेव है, सेव पर टैप करना है। ये गाइज सेव्ड हो गया, उसको बैक आ जाना। अब गाइज यहाँ आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर। सो गाइस आपको उस बिल्ड नंबर पे 5 या 7 बार टैप करना है। या अगर आपका नया फ़ोन है तो ये MIUI वर्जन पर टैप करना है। सो गाइस अगर बेसिकली आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। सो गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू इनेबल आपके फ़ोन का नाम और डेवलपर ऑप्शन। जैसे हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन है रेडमी नोट 4। सो गाइस मेरे में तो ये MIUI वर्जन पर टैप करने से होगा। ये देख सकते हैं गाइस, नो नीड, यू आर ऑलरेडी डेवलपर। सो गाइस मैं डेवलपर बन चुका हूँ। सो यहाँ बैक आना है। अब यहाँ आपको डेवलपर ऑप्शन खोजना है। सो मेरे केस में ये एडिशनल सेटिंग्स में है, आपके केस में कहीं भी हो सकता है। तो एडिशनल सेटिंग्स ओपन कर लेना गाइस। यहाँ डेवलपर ऑप्शन आ चुका है, पहले नहीं था ये, अभी आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ गाइस सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखिए गाइस, ये डोंट कीप एक्टिविटी एज सून एज यूजर लीव्स इट। सो गाइस यही हमारा है मेन, इसको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। इसको पहले मिनिमाइज कर लेना है गाइस। उसके आपको वेब टनल ओपन करना है। यहाँ पे गाइज आपको कनेक्ट पर टैप करना है। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटिंग आपको फटाफट इसको मिनिमाइज कर देना है। यहाँ जाके डेवलपर ऑप्शन में जाके इस पर क्लिक कर देना है गाइज। सो गाइज ये देखिए वार्निंग, वेब टनल में नॉट वर्क फॉर पॉलिटी गाइज, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब गाइज ये देखिए, ये गाइज अब ये कनेक्ट हो गया गाइज। सो गाइज इस तरह से आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं इससे। अगर आप एक बार लिमिट ख़त्म हो जाए तो, या नहीं तो आप शुरू में ऐसे कर लेना, उसके बाद गाइज आपको इसको ऑफ कर देना है। वैसा आपको कनेक्ट हो गया उसके, उसको ऑफ कर दीजिए यहाँ से इसको। तो गाइज इस तरह से आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि आपका कभी भी सर्वर फुल नहीं दिखाएगा ऐसे। यस गाइज आपका सर्वर फुल नहीं होगा कभी। तो गाइज मैं एक और दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वेब टनल ओपन करना है। ये कनेक्टेड जर्मन सर्वर हो गया, तो गाइस को डिसकनेक्ट कर देते हैं पहले। सो गाइस देख सकते हैं, अब आप कनेक्ट पर टैप करना है। यहाँ बस ऑथेंटिकेटिंग शुरू हो जाए। ऑथेंटिकेटिंग से आपको जल्दी से गाइस इसको मिनिमाइज कर देना है। फिर आपको सेटिंग्स खोलनी है और वही डोंट कीप एक्टिविटी जब उसको इनेबल कर देना। ये ऑप्शन आना चाहिए वेब टनल यूआई में नॉट वर्क फॉर ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, ना आपका आपका बिल लिमिट खत्म होगा ना सर्वर फुल होगा। अगर ऐसा करने के बाद अगर आप में ये डिसकनेक्ट हो जाए 2 मिनट के बाद, ऐसा होगा नहीं, तो अगर होता है तो वही आपको फिर से यस फाइल एक्सप्लोरर वाला ट्रिक को फिर से कर लेना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था हमारा ट्रिक। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।